गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आई हूँ 9th क्लास की, जो कि है सर्कल से रिलेटेड। क्या है थ्योरम, देखते हैं। कहता द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब कि कहते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है। अब एंगल किसी भी सेंटर पे, ये सेंटर है उस पे एक आर्क, कोई भी आर्क ले ले, मैंने ये पी और क्यू आर्क ले ली, ठीक है, पी क्यू आर्क ली। अब इस आर्क ने सेंटर ओ है वहाँ पे एक एंगल बनाया, तो ये लीजिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया जिससे ये प्रॉपर एंगल बनता हुआ दिखे हमें, ये रहा, ठीक है। अब पी क्यू आर्क ने ओ सेंटर पे एक एंगल बनाया, ठीक है। कहता है यही पी क्यू आर्क अगर सर्कल के बाकी किसी हिस्से में कोई एंगल बनाए, मान लीजिए मैंने एक ए पॉइंट लिया है, तो वहां पे इस पी क्यू आर्क ने एक और एंगल बनाया, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का मतलब एक ही आर्क ने एक सर्कल में दो एंगल्स बना दिए, एक सेंटर पे और एक दूसरी जगह पे। तो दोनों एंगल्स का क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन है कि ये सेंटर वाला एंगल दूसरे एंगल से डबल होगा, दुगना होगा। कैसे, अगर दूसरा एंगल 30 डिग्री का है तो ये दुगना 60 डिग्री का हो जाएगा, अगर ये 60 का है तो सेंटर वाला एंगल 120 का हो जाएगा, अगर 45 का है तो सेंटर वाला एंगल 90 का हो जाएगा। मतलब कि किसी और हिस्से पे उसी आर्क ने जितने डिग्री का एंगल बनाया है उसका डबल सेंटर पे हमेशा वो बनाएगी, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले वही प्रोसीजर गिवन। क्या गिवन दिया हमें, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है, तो ए सर्कल सेंटर कितना है, अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, ठीक है। तो एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ। और उसके बाद दूसरा हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमने प्रूफ करना है ये एंगल ओ, मतलब एंगल ओ का क्या नाम है, पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस, टू टाइम्स किसके बराबर है, दूसरा एंगल ए बीच में आएगा, पी ए क्यू। तो एंगल क्या आ गया, पी ए क्यू, ठीक है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें अपने तरफ से कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें ए को ओ से, ए से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो आगे ओ को भी क्रॉस करती जाए, और इस को हमने लाइन को यहां पे लिख दिया, बी नाम दे दिया। हमने ए से एक लाइन ड्रॉ करी जो सेंटर से पास होती हुई आगे चली गई, ठीक है, एक्सटेंड कर दी, उसका नाम बी रख दिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं ये लाइन ना ड्रॉ करूं तो ये जो बीच में ट्रायंगल टाइप है इसकी कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं बनती, कोई प्रॉपर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सी है। अब अगर मैंने बीच में लाइन बना दी तो ये क्लियर कट है कि ये एक इधर वाला हिस्सा ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इधर वाला हिस्सा भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अब क्लियर कट हो गया ना कि ये हिस्सा ट्रायंगल है और ये हिस्सा भी ट्रायंगल है। तो हम दोनों ट्रायंगल्स में से कोई एक ट्रायंगल लेंगे, उस पर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देंगे, फिर दूसरा वाला एज इट इज लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं ट्रायंगल लेने लगी तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखूंगी, ड्रॉ अ लाइन ए बी पासिस थ्रू सेंटर ओ, तो सेंटर से पास होती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब आ गया प्रूफ, ठीक है। प्रूफ के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल मैं ये लेने लगी हूं, आप ये भी ले सकते हैं, सेम ही है, ठीक है, ए ओ पी, तो ट्रायंगल ए ओ पी। अब इसमें दो चीज़ें, दो रिजल्ट्स यूज होते हैं। पहला देखिए, ये ओ ए रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, और किसी भी सर्कल के सारे रेडियस बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू तो सेम ही आती है, तो इसका मतलब ये ओ ए और ओ पी आपस में बराबर है। अब हमने पिछले लेक्चर में एक थ्योरम की थी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हों तो उनके ओपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ओ ए साइड के सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने एंगल पी, और ओ पी साइड के सामने एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसका नाम अब मैं ये एंगल ए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक पूरा ऐसा है, तो इतना तो एक आधा हिस्सा है, तो इसका क्या नाम लिखूंगी, पी ए ओ। तो
तो आ गया एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ, ठीक है। रीजन क्या लिखूंगी, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो आंसर होते हैं एंगल्स वो भी क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। अब इसको मैं वन नंबर देने लगी हूँ। अब आगे ट्रायंगल्स की दूसरी प्रॉपर्टी, क्या ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका जो आउटर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, अंदर वाले सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर। क्या है कि अगर हम ट्रायंगल की किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर दें और एक एक्सटीरियर एंगल ले लें, ये एक्सटीरियर एंगल ले लिया, अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा अंदर वाले, ट्रायंगल के अंदर वाले उस एक्सटीरियर के जो सामने दोनों एंगल्स हैं उसके सम के बराबर। जैसे अब इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, ठीक है, पी ओ बी, तो एक्सटीरियर एंगल पी ओ बी किसके बराबर होगा, अब ये अंदर वाले साथ वाला नहीं लेना, इस यहाँ पे भी हमने साथ वाला नहीं लिया, सामने वाले दोनों लिए हैं, तो इसके सामने वाले दोनों एक ये रहा और एक ये रहा, तो एंगल पी प्लस एंगल पी ए ओ, ठीक है, दोनों क्या है, इन दोनों के सम के बराबर है। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, छोटे होते हमने इसको पढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखें ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों पे मैं एक ही लिख सकती हूँ, कौन सा लिखूंगी, जो मुझे चाहिए, मुझे पी ए ओ वाला एंगल चाहिए, ये वाला चाहिए, तो मैं पी की जगह भी लिख दूंगी एंगल पी ए ओ, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों की जगह मैं किसी को भी रख सकती हूँ, किसी को भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्यों पी ए ओ को रखा, पी को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सेंटर वाला और दूसरे हिस्से वाला ए वाला एंगल चाहिए, ए और ओ वाला चाहिए, अकेला ये वाला तो चाहिए नहीं, ओ वाला इधर है, ए वाला ये, इसलिए मैंने ए वाला चूज किया, ठीक है। तो ये लिख देंगे कहाँ से आया, फ्रॉम वन से, ये रीजन। तो ये दो टाइम्स सेम एंगल हो गया, तो पी ए ओ सेम हो गया टू टाइम्स, ठीक है। तो अब मैंने इसको नंबर दे दिया टू। अब ये हमने सिर्फ आधे ट्रायंगल पे बात करी थी, अब अगर मैं इधर वाला ट्रायंगल लूँ, इस ट्रायंगल पे जब हमने बात करी तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, कि ये जो इतना आधा एंगल है, सेंटर का आधा एंगल किसी और हिस्से पे बने आधे एंगल के दुगने, ठीक है। ये मैंने आधा ट्रायंगल लिया था तो आधा आधा रिजल्ट आया, अब इधर वाला ट्रायंगल लूंगी तो उससे भी आधा आधा रिजल्ट सेम आ जाएगा, तो दोनों आधे आधे हिस्सों को जोड़ दूंगी तो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल के लिए ये दोबारा से प्रूव नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे सिमिलरली, ऐसे कि सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, इस हिस्से में भी यही रिजल्ट लागू होगा, क्या रिजल्ट होगा, अब ये क्या बनता है, क्यू ओ बी, ये आधा एंगल का क्या नाम है, क्यू ओ बी, जहाँ पे एंगल बनता है उस लेटर को बीच में रखते हैं, बाकी को साइड पे, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब ये क्या बनता है, क्यू ए बी, ठीक है, क्यू ए बी हो गया। अब इन दोनों को क्या करूंगी, ऐड, ये आधा आधा हिस्सा को जोड़ दूंगी, इस आधे आधे हिस्से जो को जोड़ दूंगी, तो ऐड टू एंड थ्री, जब मैंने इनको ऐड किया तो क्या आ गया, अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, तो ऐड टू एंड थ्री क्या आ जाएगा, अब जब हमने इन दोनों को जोड़ना है तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ना है, राइट साइड को राइट साइड में। मैथ में जब भी टू लाइंस या टू इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होती है, और राइट साइड का राइट साइड के साथ। तो ऐसे ही एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी, फिर बीच में इज इक्वल्स टू का साइन, टू टाइम्स एंगल पी ए ओ प्लस टू टाइम्स एंगल क्यू ए बी, ये आ गया। अब देखिए पी ओ बी, पी ओ बी ये आधा हिस्सा है, ठीक है, आ गया एंगल क्यू ओ बी, तो वो ये आधा हिस्सा है, तो दोनों हिस्सों को जोड़कर क्या बन गया, पूरा एंगल ओ बन गया, ठीक है, और साइड में ओ वाला एंगल इधर पी ए और इधर क्यू, तो बीच में आ गया पी ओ क्यू, ठीक है। अब ये टू टू है तो टू कॉमन निकाल लिया, एंगल ये बन गया एंगल पी ए ओ, टू दोनों में कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया पी ए ओ प्लस क्यू बी। अब ये देखूं तो पी ए ओ, पी ए ओ यानी कि इधर वाला आधा हिस्सा बन रहा है, ठीक है, अब क्यू ए बी मतलब इधर वाला आधा हिस्सा बन रहा है, तो दोनों आधे आधे हिस्सों को जोड़ के क्या बनेगा एंगल, पूरा बन जाएगा पी ए एंड बी।
तो पी ए क्यू बन गया, ठीक है। तो क्या प्रूव हो गया कि जो सेंटर पे एंगल है वो और हिस्से पे बने एंगल का क्या होता है, दुगना, ट्वाइस, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये 10th क्लास में भी सेम थ्योरम है और इसका रिजल्ट क्वेश्चंस में बहुत अप्लाई होता है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से करना है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर से कुछ नया 9th क्लास के चैप्टर में से लेके आऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।